Hi, my dear student. So first of all, you are welcome to our channel, that is Elora Art and Craft. So today we will learn a very interesting things, that is without using brush watercolor. Okay. So ऐसे तो हम लोग को यूज करते ही रहेंगे, हमेशा वाटर कलर पेंटिंग करते रहेंगे और किया भी बहुत सारे पेंटिंग आप लोग किया होगा, लेकिन आज हम लोग कुछ मिक्स मीडिया मार्कर या स्केच पेन और सिंपल वाटर कलर से हम लोग कुछ फिंगर से टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। तो इससे पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको भी प्रैक्टिस करना है। ओके, सो इसलिए आपको ये जो रिक्वायरमेंट है लाइक ड्राइंग कॉपी, वाटर कलर, वाटर कंटेनर एंड स्टेच क्लॉथ, मार्कर या स्केच पेन, योर कलर ट्यूब्स एंड टुडे वी नो रिक्वायर ब्रश। ओके, सो हम लोग ब्रशेस आज यूज नहीं करेंगे, तो शुरू करते हैं और ये वीडियो आपको पूरा देखना है और एंडिंग तक। जैसे मैं इस तरह इधर मैं करूँगा और फिर उस हिसाब से आपको भी करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज माय ड्राइंग कॉपी एंड दिस वन माय कलर पैलेट। ओके, यू हैव ऑलरेडी सीन। This is my sketch pen. So, आपको इस हिसाब से कलर निकालना है। जैसे मैं ऑलरेडी प्रीवियस पेंटिंग्स में जो कलर निकाल के रखा था वही कलर इधर है। दिस इज ब्लैक एंड पर्पल, ब्राउन सियाना, क्यूशन लेक, स्कारलेट लेक, ऑरेंज, येलो का क्रोम येलो, सैफ ग्रीन, ओशियन ब्लू एंड कबल ब्लू। ओके, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए फिंगर। ओके, सो हम लोग फिंगर यूज करके कुछ स्ट्रोक देखें या थंब से प्रेस करके हम लोग ये ड्राइंग करेंगे। तो विदाउट ड्राइंग कैन आई स्टार्ट? ओके, सो मैं इधर वाटर लिया फर्स्ट और आई विल चॉइस ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर में ले लिया इधर। आपसे तो और भी अच्छा होगा भाई ये अंसियो, क्योंकि मेरा तो फिंगर इतना स्मूथ नहीं है, आपको बहुत अच्छा होगा। ऐसे वेस्टेस क्लॉथ या टिश्यू पेपर आपके पास होंगे तो उसमें आप बीच में इसको कलर चेंज करने के टाइम में इसको हाथ में वन, नेक्स्ट इज रेड, पूरा इस तरह आपको दो। अभी यूज करेंगे हम क्या मार्कर।
किस तरह पॉइंटेड करना है। दिस इज माई इमेजिनेटिव हाउस और इनसे हार्ट। अभी इसमें मुझे मॉब कलर सो अभी लैंड में इसको हम अभी येलो कलर चूज करेंगे। लेकिन ज़्यादा वाटर यूज नहीं करना ओके, क्योंकि ज़्यादा वाटर यूज करने से आपको फिंगर का जो थंब प्रिंट होता है वो नहीं रहेगा, फिंगर प्रिंट इसमें नहीं बैठेगा। थोड़ा बहुत फिंगर प्रिंट इसमें होना जरूरी है ओके। अभी हम क्या करें, अगेन मैं इधर ऑरेंज ऑरेंज लिया, कहाँ रखो इधर ओके। नेक्स्ट इज ऑरेंज प्लस रेड हो गया। This one, purple. So 1, 2, 3, 3 हो गया। मैं इसमें कुशन ब्लू भी हम डाल देते हैं थोड़ा। एकदम पॉइंटेड करके देना है इधर। Yes. Okay. अभी और एक फिगर ऐसे रहे साइड करके थोड़ा। हो गया। अभी इसमें कुछ ऑब्जेक्ट देना है मुझे, तो ऐसे बैठा हूँ ये। दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली? अभी इस हिसाब से मुझे इसको पेड़ बनाना है। बट इवन मैं वाली When you draw a trunk of the tree, then in that time you just follow the light and see.
अभी देखो वन साइड हम डार्क दे रहे हैं, इसको वन साइड देन योर पेंटिंग विल लुक इन 3D इफेक्ट। अभी इसमें पत्ते बनाना है और यहाँ से पहले थोड़ा इसको, मेरा यही ब्रास है इसको हम चेंज कर दिया, यानी इसको धो लिया और अभी हम यूज करेंगे कौन सा ब्लू कलर, ऐसे आपको 1, 2, 3, 4 करके देना है। अभी इसमें हम ग्रीन कलर यूज नहीं करेंगे, मुझे रेडिश ग्रुप में अच्छा लगता है। अभी हम इधर येलो कलर यूज किया, अभी हम ऑरेंज यूज करेंगे, ऑरेंज ये भी बहुत अच्छा कलर है। देखो आपको अगर रेडिश ग्रुप में अच्छा नहीं लगता तो फिर आप आपको रेडिश ग्रुप में अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। आई मीन फर्स्ट येलो, नेक्स्ट लाइट ग्रीन, नेक्स्ट थर्ड ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अभी इसमें हम क्या कलर देंगे, रेड कलर देना पड़ेगा क्योंकि ये तो कलर अब हार्मनी हो गया ना, जैसे येलो, ओके, ऑरेंज, नेक्स्ट रेड, या सो इधर हो गया रेड। रुको इसमें थोड़ा बहुत और भी डार्क करने के लिए आई एम यूजिंग हियर ब्राउन कलर। सी अभी ये पीछे जो एरिया ना, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को आपको ब्लू कलर से भरना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा हो रहा है, आपको लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ देखते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे, आपको प्रैक्टिकली करना है। और आपका बहुत अच्छा फिंगर है ना, बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड स्वीट, सो फिंगर से आपको पूरा इसमें आपका लाइफ टाइम के लिए एक इसमें मेमोरी भी रह जाएंगे आपको पता है, क्योंकि हर एक फिंगर का आपको इसमें स्टैम्प बैठ गया और उस हिसाब से आपको ये एक एल्बम हो गया। सो इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जब आप बड़ा हो जाएगा, जब आप बड़ा हो जाओगे तो फिर उसमें आपका ये सारे चीज़ दिखाई देगा, तो कितना स्मॉल, कितना स्वीट एंड छोटा, मतलब आपको फिंगर था, अभी तो बड़ा हो गया। इसका अंदर भी हम दे देते हैं ये, चलो ये ब्लॉक, देन when I put this one, then automatically two house is different, okay. Here I am using again blue color,
So as per your finger, you can do like this. It's light and set. Okay. In this lower portion, I'm using little dark green. Dark green भी दे दो इधर, okay. हो गया, अभी इसमें ऐसे जाएगा और एक ब्रश ले लेता, मतलब ये तो ब्रश मेरा यूज कर लिया, अभी बड़ा ब्रश लेता थोड़ा. अभी इधर हम यूज कर सकते हैं ग्रीन, वो भी ये हो गया. इसमें साइड में थोड़ा बहुत हम डार्क ग्रीन भी दे दिया, क्योंकि तब मुझे ये जो रास्ता है ना, इसका साइड में थोड़ा मतलब रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा और ये ग्रासेस भी उस हिसाब से. नाउ एंड फिल दिस एरिया, अभी इसमें भी आपको देना है पहले. इसमें इससे भी बहुत अच्छा होगा, मुझे तो उतना अच्छा नहीं आता. I'm sure आपका बहुत अच्छा होगा. मैं ये जो रास्ता है इसको व्हाइट छोड़ दिया इधर. अब इधर ग्रीन, चलो ग्रीन यूज करते हैं. यहीं पे कलर आपको बहुत है, अगर नीला हो गया तो फिर थोड़ा बहुत आप ओस्टेस क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं. मतलब ऐसे क्लॉथ में आप इस हिसाब से क्लॉथ में जस्ट टच करके फिर आपको देना है. हो गया, तो ये हो गया मैन फिनिश. ये हो गया, अभी मुझे थोड़ा इसमें और भी कुछ कलर्स
ये हो गया। अभी तो मेरा इतना भयंकर फिंगर है तो कहाँ इतना छोटा छोटा पंछी होगा। आपका तो बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड स्वीट हैंड और फिंगर है। अभी इसमें फिगर बना लिया इसमें आप ये हो गया फिगर आपका। इसमें कुछ काम कर रहे हैं ये आप बना इसका ये प्लॉट बना दो और अभी लिटिल डिटेल वर्क है। ओके सो डिटेल वर्क आप कर दो थोड़ा। आई एम डूइंग हेयर दिस टाइप ऑफ वर्क। ओके इसमें ज़्यादा मार्कर यूज करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है ये रैपिड में और देर बड़ा करके बना देता हूँ। ये तो छोटा हो गया था। इसमें बहुत सारे घास है नीचे पैर इसमें छुप गया है। ओके सो होप यू एंजॉय द क्लास एंड यू मस्ट हैव टू डू लाइक दिस एज आई डिड हियर। ओके ओके एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग्स यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टैप द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर live class and all the upcoming updated videos. Okay, so bye bye everyone, bye.